हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे से होंगे। और हमारा मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी में ये हमारा दूसरा पार्ट स्टार्ट होने वाला है। हम अभी तक मध्य प्रदेश के अंतर्गत मध्य प्रदेश के भू आकृतिक विभाग पढ़ चुके हैं। एमपी के जियो मॉर्फोलॉजिकल अगर बात करें या फिजियोग्राफिकल डिवीज़न को हम देख चुके हैं, मध्य प्रदेश की जियो मॉर्फोलॉजी देख चुके हैं। अब हम देखने वाले हैं आज के इस टॉपिक, आज के इस वीडियो लेक्चर में मध्य प्रदेश का अपवाह तंत्र या कहें हम ड्रेनेज सिस्टम ऑफ एमपी। तो ड्रेनेज सिस्टम ऑफ एमपी या मध्य प्रदेश के अपवाह तंत्र की हम चर्चा करने वाले हैं, जिसमें बेसिकली हम मध्य प्रदेश की नदियों को पढ़ा करते हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की नदियां हमारे सिलेबस में जोड़ी गई हैं। यूनिट नंबर 4 है, नदियों वाला टॉपिक है। तो नदियों वाले टॉपिक को हम शुरू करते हैं। आइए देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश के अपवाह तंत्र में कौन कौन सी इंटरेस्टिंग बातें हैं और कौन कौन सी बातें ऐसी रही हैं जो हमारे पास हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं मध्य प्रदेश का अपवाह तंत्र। तो जब भी हम मध्य प्रदेश के अपवाह तंत्र की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का जो अपवाह तंत्र है इसके अंतर्गत हम बेसिकली नदियों की चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश के अपवाह तंत्र के अंतर्गत किसकी चर्चा करने वाले हैं, हम नदियों की चर्चा करने वाले हैं। लेकिन इसके पहले हमें कुछ चीज़ें जान लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमसे पूछा जाता है कि अपवाह तंत्र क्या होता है, अपवाह तंत्र क्या होता है, ये हमसे पूछा जाता है, ये हमसे बनना चाहिए अपवाह तंत्र क्या है। ठीक है, क्योंकि मध्य प्रदेश के अपवाह तंत्र का हम अध्ययन करने वाले हैं और एमपी के ड्रेनेज सिस्टम के अंतर्गत हमें कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि अपवाह तंत्र क्या होता है। तो अपवाह तंत्र क्या है, अपवाह तंत्र नदियों एवं अन्य सहायक नदियों नदियों एवं अन्य सहायक नदियों द्वारा निर्मित एक तंत्र होता है। अन्य सहायक नदियों द्वारा निर्मित तंत्र या इसी को हम नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, तो एक प्रकार का नेटवर्क है, एक प्रकार का सिस्टम है, एक प्रकार का तंत्र है जो नदी और नदी की सहायक नदियों द्वारा निर्मित किया जाता है। अब नदी और नदी की सहायक नदियाँ बेसिकली जब कोई नदी किसी पर्वतीय भाग से बहती है तो एक ढाल के अनुरूप बहा करती है। कैसे अनुरूप बहा करती है बेटा, एक ढाल के अनुरूप ये हमेशा फ्लोट करती है, ढाल के अनुरूप ही बहा करती है। यानी एक प्रकार का निश्चित ढाल होता है। और अगर हम देखें तो इसकी कुछ अगर देखेंगे तो ये हमारा, अगर इसको हम देख लें तो ये हमारी ऊंचाई वाला भाग हो जाएगा और ये हमारा स्लोप हो जाएगा, ढाल हो जाएगा। अब स्लोप या ढाल के अकॉर्डिंग अगर देखें, जो भी नदी बह रही है इस ढाल के अकॉर्डिंग बह रही है, ठीक है, तो इस अपवाह तंत्र में एक बात महत्वपूर्ण आती है। क्या आती है अपवाह तंत्र की, एक महत्वपूर्ण बात ये है कि अपवाह तंत्र नदी और नदी की सहायक नदियों द्वारा निर्मित तंत्र तो है ही, साथ ही साथ इसका एक निश्चित ढाल होता है। एक निश्चित इसका ढाल है, ठीक है, एक निश्चित ढाल है, एक निश्चित क्रम है, एक निश्चित क्रम है, ठीक है। और अगर हम कहें कि एक निश्चित प्रवाह है, एक निश्चित प्रवाह है,
तो कौन कौन सी निश्चितता है? एक निश्चित ढाल है, एक निश्चित क्रम है, एक निश्चित प्रवाह है, जिसके अकॉर्डिंग नदी और नदी की सहायक नदियाँ क्या करती हैं, अपने जल को अपने मुहाने तक ले जाती हैं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल दूँ कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, नर्मदा नदी का उद्गम जो होता है वो अमरकंटक से होता है। कहाँ से होता बेटा? अमरकंटक से निकलती है नर्मदा। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से नर्मदा का उद्गम होता है। तो नर्मदा नदी जब अमरकंटक से निकलती है तो हम क्या देखते हैं कि नर्मदा नदी का उद्गम चूंकि अमरकंटक से होता है तो इसका एक निश्चित प्रवाह है। और ये मध्य प्रदेश के अगर आप देखोगे कि पश्चिम से पूर्व की ओर बहते हुए अगर बात करें, सॉरी, पूर्व से पश्चिम की ओर बहते हुए, पश्चिम की ओर जाती है, एक निश्चित प्रवाह है, बहते हुए खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ गिर जाती है? खंभात की खाड़ी में, खंभात की खाड़ी में ये गिर जाती है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि नदी का एक जो फ्लो है, एक प्रकार का जो नदी फ्लोट कर रही है उसका एक ढाल एक प्रकार से निश्चित है। और चूंकि हमें पता है कि नर्मदा एक भ्रंश घाटी में बहती है तो उसको एक प्राकृतिक रूप से ढाल मिल जाता है, यानी नर्मदा का एक निश्चित ढाल है। साथ ही साथ निश्चित क्रम है, अर्थात नर्मदा हमेशा एक निश्चित क्रम में बहती है। ये हमेशा पूर्व से कहाँ बहती है? पूर्व से बेटा पश्चिम की ओर ही बहती है, यानी ये पूर्व से पश्चिम की ओर निश्चित क्रम में बहती है। साथ ही साथ एक निश्चित प्रवाह है। निश्चित प्रवाह का मतलब ये हुआ कि इसमें जो नदियां आकर मिलती हैं वे भी नर्मदा के साथ साथ अपने जल को एक निश्चित क्रम में, एक निश्चित व्यवस्था के तहत प्रवाहित करती हैं। यदि नर्मदा को देखें तो नर्मदा और नर्मदा की जो सहायक नदियाँ हैं वे नर्मदा को क्या कर रही हैं? एक निश्चित भाग में मिलती हैं और ढाल का अनुसरण करते हुए, नर्मदा में मिलते हुए उसी ढाल के साथ साथ एक निश्चित सिस्टम या निश्चित तंत्र का निर्माण कर देती हैं, जिसको ही हम क्या कह देते हैं बेटा? जिसको ही हम अपवाह तंत्र कह देते हैं। तो अपवाह तंत्र मुख्य तौर पर नदी, नदी की सहायक नदियों द्वारा बनाया गया एक ऐसा सिस्टम है जिसका एक निश्चित ढाल है, एक निश्चित क्रम है, जो एक निश्चित मार्ग का अनुसरण करते हुए अपने जल को सोर्स यानी उद्गम स्थल से मुहाने तक ले जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरी जो व्यवस्था है, एक स्थानिक व्यवस्था है, उसी को हम अपवाह तंत्र कह देते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए अपवाह तंत्र क्या होता है। अपवाह तंत्र के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आपको व्यवस्थित तौर पर पता होनी ज़रूरी है। अब हम देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से अपवाह तंत्र आते हैं और इन अपवाह तंत्रों के अंतर्गत हमारे लिए महत्वपूर्ण अपवाह तंत्र कौन सा है। तो आइए जान लेते हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण अपवाह तंत्र। तो हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत आने वाले लिखेंगे प्रमुख अपवाह तंत्र। प्रमुख अपवाह तंत्र तो कौन कौन से अपवाह तंत्र एमपी के अंतर्गत आते हैं जिनका हमें बेसिकली अध्ययन करना है। तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत अगर हम देखेंगे तो मुख्य तौर पर निम्न प्रकार के अपवाह तंत्र यहाँ आते हैं। पहला अगर हम देखें तो पहला आता है गंगा यमुना अपवाह तंत्र। गंगा यमुना अपवाह तंत्र। दूसरा अपवाह तंत्र है नर्मदा अपवाह तंत्र। नर्मदा अपवाह तंत्र। तीसरा अगर बात करें तो तीसरा तंत्र है ताप्ती अपवाह तंत्र। ताप्ती अपवाह तंत्र। चौथा देखेंगे तो चौथा अपवाह तंत्र है गोदावरी अपवाह तंत्र।
गोदावरी अपवाह तंत्र, और पांचवा और अंतिम अपवाह तंत्र है गोदावरी अपवाह तंत्र के अंतर्गत ताप्ती हो गया। एक और है सोन का अपवाह तंत्र, सोन अपवाह तंत्र, और इसके बाद अंतिम है माही अपवाह तंत्र। ठीक है, तो इस तरीके से मध्य प्रदेश के अंतर्गत अगर आप देखोगे एक के बाद एक ये सारे अपवाह तंत्र हैं जो हमें एक के बाद एक पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए आप, ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत आने वाले प्रमुख अपवाह तंत्र हैं जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं, और साथ ही साथ अगर आप देखिएगा कि मेंस परीक्षा में भी इनसे प्रश्न हमसे लगातार पूछे जाते रहे हैं। तो ये अपवाह तंत्र मध्य प्रदेश में बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक करके हम इन अपवाह तंत्र की बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि मध्य प्रदेश के प्रमुख अपवाह तंत्रों में जो प्रमुख अपवाह तंत्र है, जो इम्पोर्टेंट या कह सकते हैं सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, वो आता है गंगा यमुना अपवाह तंत्र। ठीक है, तो मैं गंगा यमुना अपवाह तंत्र के बारे में फिर उसके बाद अन्य अपवाह तंत्रों के बारे में डिस्कशन करूँगा। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो गंगा यमुना अपवाह तंत्र, गंगा यमुना अपवाह तंत्र की हमें चर्चा करनी है। गंगा यमुना अपवाह तंत्र क्या है मध्य प्रदेश में, और इस संबंध में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो गंगा यमुना अपवाह तंत्र से संबंधित अगर मैं डायग्राम की बात करूं, तो डायग्राम में इससे संबंधित अपन देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मध्य प्रदेश के इस डायग्राम में आपको मुख्य तौर पर गंगा यमुना अपवाह तंत्र से संबंधित अगर हम मुख्य अपवाह तंत्र की चर्चा करें, तो हमें पता है कि यहाँ से इस तरीके से यूपी में एक नदी प्रवाहित होती है जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, गंगा, क्या कहते हैं, गंगा नदी। ठीक है, और इसी की एक सहायक नदी है जिसको कहते हैं हम यमुना, क्या कहते हैं, यमुना, जो कि कहाँ पर, इलाहाबाद के पास यानी प्रयाग के पास, कहाँ पर बेटा, प्रयाग के पास इसका संगम किससे हो जाता है, गंगा से होता है। ठीक है, तो एक नदी है यमुना और एक नदी है गंगा। अब आपको दिमाग में आ रहा होगा कि सर ना तो हमारे मध्य प्रदेश में गंगा नदी प्रवाहित होती है, ना ही हमारे मध्य प्रदेश में यमुना नदी प्रवाहित होती है, फिर भी आप बात कर रहे हैं कि गंगा और यमुना का अपवाह तंत्र मध्य प्रदेश का प्रमुख अपवाह तंत्र है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि मध्य प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में भले ही गंगा और यमुना नदियां जो हैं प्रवाहित नहीं होती हैं, लेकिन इन नदियों के द्वारा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र बनाया जाता है। कैसे, तो देखिए गंगा और यमुना की सहायक नदी मुख्य तौर पर अगर हम देखेंगे जो मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती हैं, जिसमें मुख्य है चंबल, ठीक है, इसके बाद सिंध, इसके बाद बेतवा, बेतवा के बाद अगर देखेंगे तो फिर सोन आ जाती है, केन आ जाती है, टोंस आ जाती है, ये सारी की सारी नदियां जो हैं गंगा और यमुना में ही आकर मिलती हैं। दैट मीन्स ये गंगा और यमुना रिवर सिस्टम का एक भाग हैं, ड्रेनेज सिस्टम का एक पार्ट हैं। ठीक है, यानी मध्य प्रदेश में भले ही गंगा यमुना प्रवाहित नहीं होती हैं, परंतु उनकी सहायक नदियाँ मिलकर एक ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण करती हैं, इसीलिए ये मध्य प्रदेश का प्रमुख अपवाह तंत्र है। अगर मैं इस अपवाह तंत्र की बात करूं तो गंगा यमुना अपवाह तंत्र के अंतर्गत अगर हम देखेंगे तो जो प्रमुख नदियां आती हैं, प्रमुख नदियों की अगर हम बात करेंगे तो प्रमुख नदियों में चंबल प्रमुख नदी है। कौन सी नदी बेटा है, चंबल। चंबल के बाद अगर हम बात करें तो उसमें आ जाती है बेतवा। कौन सी नदी आ जाती है, बेतवा। बेतवा के बाद सिंध। सिंध के बाद अगर हम बात करें तो उसमें आ जाती है केन।
केन के बाद, केन के बाद इसमें आ जाती है बेटा सोन, सोन के बाद टोन्स। ये कुछ नदियां हैं जो प्रमुख नदियां हैं जो गंगा यमुना अपवाह तंत्र का भाग हैं। ठीक है, ये नदियां हो जाती हैं। फिर इसके बाद इसी में अगर हम देखेंगे तो कुल जो क्षेत्रफल है इस अपवाह तंत्र का, इस अपवाह तंत्र का कुल क्षेत्रफल देखें या कितने एरिया विशेष में यह ड्रेनेज सिस्टम पूरा का पूरा फैला हुआ है, तो लगभग लगभग 2 लाख, अगर बात करें 2,02,070 वर्ग किलोमीटर, 2,02,070 वर्ग किलोमीटर के एरिया में यह अपवाह तंत्र फैला हुआ है। 2,02,070 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में यह क्षेत्र फैला हुआ है। ठीक है, इस आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर यह मध्य प्रदेश का, यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा, क्या दे बेटा, सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। यह मध्य प्रदेश का क्या है, सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। किसके आधार पर देख रहे हैं हम, एरिया के हिसाब से, एरिया के हिसाब से यह एमपी का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, याद रखिएगा, जिसका क्षेत्रफल 2,02,070 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। अगर इसमें और एक पॉइंट की बात करें तो इसमें मध्य प्रदेश के, इस अपवाह तंत्र में मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश के इस अपवाह तंत्र में मध्य प्रदेश के अगर देखेंगे तो 30 से अधिक जिले पूर्णता एवं अंशता, पूर्णतः पार्शली एवं, सॉरी अंशता यानी पार्शली और पूर्णता मतलब फुली, तो पूर्णता एवं अंशता, पूर्णता और अंशता मध्य प्रदेश के 30 से अधिक जिले आते हैं। तो उसमें मध्य प्रदेश के 30 से अधिक जिले पूर्णता और अंशता आते हैं, यानी मध्य प्रदेश के लगभग 30 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो इस अपवाह तंत्र के अंतर्गत आते हैं, इसमें इस अपवाह तंत्र के अंतर्गत इनका एरिया आता है। ठीक है, तो गंगा यमुना अपवाह तंत्र मध्य प्रदेश में चंबल, बेतवा, सिंध, केन, सोन प्रमुख नदियां आती हैं। कुल एरिया 2,02,070 वर्ग किलोमीटर है, यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। इसमें मध्य प्रदेश के 30 से अधिक जिले आते हैं। अगर हम इसमें डायग्राम में देखें तो डायग्राम में बेसिकली देख पा रहे हैं हम, तो यहाँ पर देखिएगा ये मध्य प्रदेश की नदियाँ हैं। तो मध्य प्रदेश की नदियों में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक नदी प्रवाहित होती है जिसको कहते हैं हम चंबल, और चंबल यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ इटावा है। क्या है बेटा, इटावा। तो चंबल यहाँ पर इटावा के पास, यहाँ पर इटावा है, यहाँ इटावा के पास लगभग 30 किलोमीटर की डिस्टेंस पर, इटावा से लगभग 30 किलोमीटर की डिस्टेंस पर इटावा से कहाँ मिल जाती है, यमुना में मिल जाती है। इसके बाद अगर हम देखेंगे एक नदी यहाँ से निकलती है, ये चंबल कहाँ से निकलती है, महू से निकलती है, एक नदी है शिप्रा, जो कि अगर हम देखेंगे शिप्रा नदी है जो कि चंबल की सहायक नदी है। इसके अलावा एक नदी काली सिंध है, एक नदी पार्वती है। ठीक है, तो बहुत सारी नदियां यहां पर हैं। अगर हम देखेंगे तो ये हमारी काली सिंध है, काली सिंध है, ये नदी है पार्वती। ठीक है, तो पार्वती नदी, काली सिंध नदी, अब इन सब नदियों के बारे में अगर हम देखेंगे तो शिप्रा कहाँ से निकलती है, इंदौर की काकरीवाड़ी से निकलती है। ठीक है, महू के जानापावा से कौन सी निकलती है, महू के जानापावा से निकलती है, महू के जानापावा से चंबल निकलती है, ये चंबल नदी है। ठीक है,
इस तरीके से हम डायग्राम बना सकते हैं इसका, ठीक है, ये हो जाएगा चंबल। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ गुना के पास सिरोंज से, गुना के पास सिरोंज से एक नदी निकलती है जिसको कहते हैं हम सिंध नदी, जो कि यमुना की सहायक नदी है, सिंध सिंध नदी है। एक नदी यहाँ पर है इसको कहते हैं कूनो नदी, जो कि यमुना, जो कि बेतवा की सहायक नदी है, सॉरी क्या बोलते, चंबल की सहायक नदी, इसको कूनो कहते हैं, कूनो नदी, कूनो है। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो रायसेन के कुमरा गांव से, कुमरा गांव, कुमरा गांव, रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है एक नदी जिसको कहते हैं बेतवा, और यह जो है यह मुख्य तौर पर हमीरपुर के पास, कहाँ पर बेटा, हमीरपुर, हमीरपुर के पास यह जो है किस में मिल जाती है, बेतवा यमुना में मिल जाती है। फिर इसके बाद एक नदी यहाँ पर बहती है जिसको कहते हैं हम केन, जो कि कैमूर से निकलती है, कैमूर पहाड़ी से निकलती है केन, और केन किसकी सहायक नदी है, केन अगर देखेंगे तो यमुना की ही सहायक नदी है केन। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर यमुना की सहायक नदी है केन। इसके बाद यहाँ से निकलती है टोंस, टोंस नदी है ये, टोंस की बात कर लेते हैं, टोंस की बात कर लेते हैं, ये हो जाती है बेटा केन, ठीक है, ये बेतवा है, ये सब की सब गंगा में यमुना और गंगा यमुना का तंत्र का भाग है। इसके बाद अगर देखें तो यहाँ पर एक नदी आती है टोंस, ये टोंस नदी है जिसको तमसा भी कहते हैं, आप डायग्राम में देख लीजिए, ठीक है, टोंस है जो कि कैमूर के आसपास से निकलती है। इसके बाद आती है एक और नदी जिसको कहते हैं हम अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक के उत्तरी भाग से निकलती है, जिसको कहते हैं हम सोन नदी, और सोन जो है दीनापुर के निकट, पटना के पास, दीनापुर के पास गंगा में मिल जाती है, इसको अपन सोन कहते हैं, ठीक है। अब ये सारी नदियाँ मैंने यहाँ पर बनाई हैं, एक एक करके आप इसको देख सकते हैं, बहुत ही ऐसे तरीके से नदियाँ बनाई गई हैं ताकि आपको समझ में आए। ये सारी की सारी नदियाँ, अभी तो इनकी सहायक नदियाँ भी बहुत सारी हैं, लेकिन मुख्य तौर पर इन नदियों को आप देखोगे, आप यहाँ पर जितने नाम लिखे हैं चंबल, बेतवा, सिंध, केन, सोन और टोंस, सारी की सारी नदियाँ मैंने इसमें बना दी हैं। ये सारी की सारी नदियाँ मुख्य तौर पर अगर आप देखोगे तो किसका भाग हैं, गंगा यमुना रिवर सिस्टम या ड्रेनेज सिस्टम का भाग है, जो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो गंगा यमुना अपवाह तंत्र के अंतर्गत ये नदियाँ बेसिकली हमें दिखाई देती हैं, जो यहाँ पर अलग अलग जगहों से प्रवाहित होते हुए एक सिस्टम बनाती हैं, एक निश्चित ढाल बनाती हैं, एक निश्चित क्रम बनाती हैं और जाकर गंगा और यमुना में मिल जाती हैं, ठीक है। तो आप ये समझ ही पा रहे हो कि इन सब का जो ढाल है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। कैसा, दक्षिण पश्चिम से कैसा बेटा, उत्तर पूर्व की ओर है, यानी एक निश्चित ढाल है, एक निश्चित क्रम है, और एक प्रकार से प्रवाह जो हो रहा है वो अपने सोर्स से एक निश्चित जगह, यानी एक निश्चित डेस्टिनेशन अर्थात एक निश्चित मुहाने पर हो रहा है, और जो मुहाना गंगा और यमुना द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। तो गंगा यमुना में जाकर ये सारी नदियाँ मिल रही हैं, तो ये हो जाता है गंगा यमुना अपवाह तंत्र से संबंधित प्रमुख बात, जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत हमसे पूछी जा सकती है, एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है। तो आपको बताना होगा कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र बेसिकली गंगा यमुना अपवाह तंत्र है। फिर इस अपवाह तंत्र में कौन कौन सी नदियाँ शामिल है, कितना क्षेत्रफल है, और साथ ही साथ इसमें मध्य प्रदेश के 30 से अधिक ज़िले शामिल किए जाते हैं। तो एक अपवाह तंत्र की अपन ने बात कर ली, ये एक अपवाह तंत्र, इसके बाद दूसरा अपवाह तंत्र, तीसरा, चौथा, पांचवा, सारे अपवाह तंत्र मैं एक एक करके समझा दूंगा। फिर उसके बाद हम स्पेसिफाई इन अपवाह तंत्र के अंतर्गत जो प्रमुख नदियां हैं उनकी भी हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। पहले आप एक एक अपवाह तंत्र के बारे में हम पढ़ते जा रहे हैं, फिर उन सारे अपवाह तंत्र को पढ़ने के बाद
एक एक करके स्पेसिफाई जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, जैसे कि नर्मदा हुई, चंबल हुई, सोन हुई, बेतवा हुई, इन बड़ी नदियों को उठाएंगे और उनके उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हमारे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए दूसरे अपवाह तंत्र की बात कर लेते हैं। दूसरा अपवाह तंत्र कौन सा है? तो दूसरा जो सेकंड अपवाह तंत्र है दूसरा अपवाह तंत्र देखें अगर हम, तो ये आता है नर्मदा अपवाह तंत्र। नर्मदा अपवाह तंत्र, नर्मदा अपवाह तंत्र की देख लेते हैं बात। नर्मदा अपवाह तंत्र की बात करें अगर, तो नर्मदा अपवाह तंत्र के अंतर्गत मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा भाग आता है। अगर नर्मदा अपवाह तंत्र की बात करें तो नर्मदा अपवाह तंत्र मध्य प्रदेश में अगर देखोगे आप, तो नर्मदा अपवाह तंत्र के अंतर्गत जो नदियाँ आती हैं, बेसिकली नदियाँ अगर देखें तो नर्मदा अपवाह तंत्र के अंतर्गत लगभग 41 सहायक नदियाँ हैं। लगभग कितनी है बेटा? 41 सहायक नदियाँ हैं। इस 41 इसकी सहायक नदियाँ हैं, 41 सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, इन 41 सहायक नदियों में दो प्रकार की नदियाँ हैं बेसिकली। एक तो है बेटा बाएं ओर की नदियाँ, बाएं ओर की नदियाँ, और दूसरा है दाएं ओर की नदियाँ। ठीक है, तो दाएं और बाएं ओर की प्रमुख नदियां हैं जो इसके अंतर्गत आती हैं। बाएं ओर की प्रमुख नदी में जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो आ जाती है तवा, या कहें यह मध्य प्रदेश में नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तवा के बाद आती है शेर, शेर के बाद आती है दूधी, या दूध भी कहते इसको दूधी। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे तो शक्कर, ठीक है, इस तरीके के नाम है। तवा है, शेर है, दूधी है, शक्कर है, बरनार है, बरनार है, ठीक है, इस तरीके की सहायक नदियां हैं। इसके बाद दाएं ओर की और भी सारी हैं लेकिन कुछ मैं यहाँ नाम लिख रहा हूँ। दाएं ओर की सहायक नदियों में देखें तो चंद्रकेसर, चंद्रकेसर एक नदी है। इसके बाद तिंदोनी, तिंदोनी एक नदी है, तिंदोनी। इसके बाद जो नदी है वह आ जाती है हिरण, कौन सी आ जाती है? हिरण। हिरण के बाद आती है ऊटी, ऊटी आ जाती है, ठीक है। इसके बाद वरना आ जाती है, वरना, ठीक है, ऊटी आ जाती है, वरना आ जाती है, चंद्रकेसर, तिंदोनी आ जाती है, ठीक है। ये कुछ नदियां आ जाती हैं, और भी सारी नदियां हैं, सारा सबके नाम नहीं लिख रहा हूं मैं यहां पर, है ना। तो यहां पर मैं ETC लगा देता हूं ताकि आपको पता रहे कि और भी है यहां पर। फिर इसके बाद अगर देखें हम नदियों का ये पूरा का पूरा जो क्षेत्रफल है, यानी कुल क्षेत्रफल कितना है, तो कुल क्षेत्रफल की जब हम बात करते हैं कि नर्मदा अपवाह तंत्र के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल कितना आता है, तो ये आप सबको पता होना चाहिए, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। कितना आता है नर्मदा अपवाह तंत्र के अंतर्गत जो क्षेत्र आता है वो 98,000, लगभग 98,796, कितना आता है, 98,796 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया आता है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसके बाद अगर देखेंगे तो यह मध्य प्रदेश का, यह मध्य प्रदेश का दूसरा, यह मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। यह मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, और इस अपवाह तंत्र का जो विस्तार है, इसका जो विस्तार है, ये बेसिकली अगर देखेंगे तो मध्य प्रदेश के साथ साथ अगर देखेंगे तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और गुजरात में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और गुजरात में है, ठीक है। इस अपवाह तंत्र के अंतर्गत मध्य प्रदेश महाराष्ट्र गुजरात में इसका विस्तार है,
और इसका अगर देखें तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत इसका जो कुल प्रतिशत भाग है, मध्य प्रदेश में प्रतिशत भाग देखें अगर हम, तो मध्य प्रदेश का में इसका प्रतिशत भाग लगभग लगभग देखेंगे तो 89.9%।